दिल्ली में दूषित पानी को लेकर बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी ने दिल्ली वासियों को दूषित पीने के पानी को लेकर आप सरकार पर सवाल उठाए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी पर पानी को लेकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए और जमकर हंगामा काटा। वहीं दूषित पानी के खिलाफ में पिछले कई दिनों से बीजेपी आप पर हमलावर है। ज्यादा अपडेट के साथ में इनपुट हेड अमित चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, पानी पर पॉलिटिक्स लगातार बढ़ती जा रही है, तस्वीरें प्रदर्शन की यहां पर उग्र होती जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पानी को लेकर अगर बात करें तो पानी से पहले दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर पॉलिटिक्स थी और बीजेपी लगातार ओडीवन हो या तमाम जो प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे उसको लेकर निशाना साध रही थी। अब पानी के एक सैंपल आए जिसमें देश के 20 शहरों के सैंपल लिए गए थे, उसमें से दिल्ली का जो पानी है वो बेहद प्रदूषित बताया गया। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कल भी सवाल उठाए थे और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने साफ तौर पर एक लेटर जारी करके इस बात की मांग की थी कि जिन जगहों से ये नमूने भरे गए उन जगहों के बारे में पार्टी को बताया जाए। अब आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ अलग अलग जगहों से पानी के सैंपल भरवा के जांच के लिए भेजे और उन लोगों का कहना है कि दिल्ली का पानी एकदम साफ है और ये केवल राजनीति का एक बहाना बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। अब पानी को लेकर कल की अगर बात करें तो केजरीवाल के पोस्टर भी लगाए गए थे दिल्ली के कई इलाकों में, केजरीवाल को मिसिंग उसमें बताया गया था और पानी को लेकर निशाना साधा गया था। आज भी बीजेपी तमाम जगहों पर सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। तो फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आने वाले समय में दिल्ली के अंदर है तो उस चुनाव को लेकर भी जोड़कर इस पूरी राजनीति को देखा जा रहा है। कभी प्रदूषण को लेकर पॉलिटिक्स होती है, कभी पानी को लेकर पॉलिटिक्स होती है, तो तमाम राजनीति से जोड़कर अब इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ये साफ किया है प्रदर्शन के बाद के पानी के नमूनों के जो सैंपल हैं वो आम आदमी पार्टी भी कराएगी और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए, हमें तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।